और मियां बीबी आपस में झगड़ा कर चुके हैं? नहीं तो बहुत अच्छे हैं नहीं ये अच्छा खेल इन्हीं से नहीं You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside then you see me now. Welcome back to our channel Family Corner. आज है सैटरडे और आज बनी है मेरी फेवरेट चीज जो मैं बहुत मन से खाता हूँ और वो क्या है? वो है छोले और पूड़ी. ये काले चने के छोले बने हैं और पूड़ी बनी है जो कि मुझे बहुत पसंद है. तो मैं अभी ये इंजॉय करूंगा, सुबह उठ के नाश्ता करूंगा. आप लोग भी अपना नाश्ता एंजॉय करें. और एक आइटम बन रहा है अभी, आपको चांदनी दिखाएगी क्या बन रहा है और उसका क्या प्रोसेस है, चांदनी बताएगी आपको. और सब लोग सो के उठ चुके हैं. किरण दीदी के पेट में कल फास्ट था तो आज बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा गैस की वजह से, तो उनको इंजेक्शन लग रहा है. दो दिन का फास्ट हो गया था, थर्सडे फ्राइडे और एक दिन तो बिना पानी वानी के. तो आज जैसे उसने नाश्ता में पानी पिया उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा. क्योंकि कल भी उनका थर्सडे का भी फास्ट था. थर्सडे वो फास्ट रहती ही है, जैसे आपने ब्लॉग में भी देखा होगा कि थर्सडे वो फास्ट रहती है. और फिर कल जूतिया का फास्ट हो गया, तो दो दिन से लगातार वो फास्ट ही फास्ट था उनका. आज जैसे उन्होंने खाना खाया उनके पेट में गैस बन गई और दर्द हो रहा है. और दर्द होने के बाद हमने इंजेक्शन लगाने के लिए भैया को भेजा हुआ है, तो वो इंजेक्शन लगाएंगे जाके. बाकी मैं नाश्ता कर रहा हूँ. ये देखिए वैदिश्य कर रहा है. ए कुली गुड मॉर्निंग दोस्तों. तो हम लोग को आज जाना है यासिर के घर. यासिर बहुत बार बुला चुका है और हमने बहुत बार वो कर लिया कि आज ये है ये है ये है. एक्चुअली भी फेस्टिवल रहते थे और चीज़ें रहती थी तो हम नहीं जा पा रहे थे, पर आज हमने तय किया कि आज हम यासिर के यहाँ जरूर से जरूर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए. तो अभी हम जल्दी जल्दी रेडी होंगे. मैं नाश्ता करूँगा, नहाऊँगा, वहाँगा, पूजा करूँगा और फिर जल्दी से रेडी होंगे. तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए. तो ये है लौकी का खीर. आप लोग कितने लोगों ने खाया है प्लीज़ बताना. और अभी तो मैं थोड़ी कैप्चर करने में लेट हो गई क्योंकि जल्दी जल्दी में हमें आज बहुत सारे काम भी हैं, निकलना भी है, तो ये हम प्रॉपर पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाए. बट आगे जब भी बनाऊंगी तो शेयर करूंगी. और आप लोगों को जानना है कैसे बनता है तो भी कमेंट करो. हम लोग जा रहे हैं, दीदी सी ऑफ करने आ गई है, बाई चांस मिली गई. और ये इसके टी शर्ट में इतना बिजी. बिल्कुल खोटक पे एकदम फोकस किए हुए वही चाहिए. और जब नहीं मिलेगा तो दीदी को देख के हंसेगा. ओके, तो हम लोग निकल चुके हैं. जैसा कि सुबह आप लोग ने बता दिया होगा कि आज हम लोग यासिर के घर जा रहे हैं. यस, यासिर के घर जा रहे हैं. और यासिर ने इतनी बार फोन कर दिया है जैसे लग रहा है मैनेजर है, स्टेटस ले रहा है काम करने का. हाँ, बहुत जल्दी करते हुए भी हम लोग को लेट हो गया है. अब तक तो हम लोग वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था बट हम लोग लेट. कोई नहीं, थोड़ा लेट होगा. अमन को हमने बोल दिया वेट कर रहा है वो रोड पे हमारा कड़कती तड़कती धूप में. हाँ, अभी गुस्सा हो रहा है फोन करके. मैंने इनको बोला था जब हम गाड़ी में बैठ कर निकल जाएंगे तब उनको कॉल करेंगे, बट इनको भी इंतजार कराना पसंद है. और ये रहा वैदिश, ये है रेडी गो. चलो देखते हैं अमन का क्या रिएक्शन होता है इतनी देर तक वेट करने के बाद. वो गुस्सा होते हैं या स्माइली करना पड़ेगा उसको. बस 15 मिनट वो ऑलरेडी खड़े हैं, 15 मिनट उनको खड़े होकर वेट करना है. थोड़ा सा विटामिन डी लेगा, दिन भर तो घर में रहता है, रूम में फंसा रहता है, थोड़ा देर धूप उप लेगा, सेकेगा धूप तक हम पहुंच जाएंगे. ये है अमन, अब देखते हैं वो गुस्से में मिलते हैं. चेहरा तो एकदम लाल है. हाय गाइस, व्लॉगिंग चल रहा है भाई. तो आपको इतनी देर तक वेट करके कैसा लगा? आप कुछ बोलना चाहेंगे? ज्यादा देर तो नहीं हुआ, 15 मिनट तो हुआ है, झूठ तो मत बोलो. अभी दिखाऊं मैं, कम से कम 20 मिनट हुए होंगे. अब आप अपने दोस्त को बस इतना ही बोलना चाहेंगे और कुछ? आपके वजह से कुछ बोल नहीं रहा, 25 मिनट हुए हैं. आलू गाइस, ये लोग मेरे लिए लौकी का खीर लेकर आ रहे थे और ये लोग भूल गए. और फिर आपस में लड़ रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम भूल गई. भाई मेरी गलती है ही नहीं. जब मैंने 3 बार झोले से सामान निकालते हुए पूछा कि क्या निकालना है, बाबू का दूध का बोतल और पानी की बोतल, उसके अलावा कुछ और तो नहीं निकालना. दो बार पूछा मैंने. दिमाग में नहीं था, इंसान इतना काम करे, बच्चे का पैकिंग, अपना पैकिंग, फिर काम, नहलाना, तो एक दो चीज तो स्किप कर ही सकता है दिमाग. एक दो चीज में मेरी खीर ही रह गई थी. नहीं,
जो सामान रखा है उसी को पता है ना कि तुम खीर कहाँ रखे हो, मुझे कैसे पता चलेगा खीर कहाँ पे। मैंने पूछा कि भाई इसमें तीन डब्बा है, तीनों दे दूं? हाँ तीनों दे दूं। अभी मुझे ये बताओ गलती किसकी है? चांदनी की भाई, और किसकी? गाइस अभी हम पहुंच गए थे यासी के घर, और यासी के घर पहुंचते ही हमें क्या खाने को मिल रहा है मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए गरम गरम समोसे, चटनी और जलेबी भी थी पर खत्म हो गई है सारी जलेबी, अमन खा गया जल्दी जल्दी। और ये देखिए यासिर को, ये समोसा खा रहा है जल्दी। तो जल्दी जल्दी समोसे और गरम गरम जलेबी खा लेते हैं पेट पूजा। आपको पता है कि मैं थोड़ा हेल्दी खाना पसंद करता हूँ, पर अब मजबूरी है, अगर आ गया है तो फिर खाना ही पड़ेगा, पर कोई नहीं खा लेते हैं, आज का दिन तो दोस्तों के साथ है तो। और ये देखिए मैच चल रहा है श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका। देखिए दोस्तों जब चांदी बोलती है ना कि मैं बहुत काम करती हूँ बाहर घूमने, जब वो आती है तो देखिए बच्चे को बाप के भरोसे छोड़ के, और एक बाप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और वो पूरी मौज काट रही है। रूम में कहीं नहीं है, देख लीजिए पूरी रूम में कहीं नहीं है, बाहर गई है घूमने, बाहर गई है मार्केट में घूमने, और बच्चा देके चली गई है, और इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ। कितना जिम्मेदार पति हूँ आप देख लीजिए। तो गाइस देखिए आलू कितनी जिम्मेदारी उठाता है, अभी पता चला है मुझे कि ये रात में सोते सोते अपना सारा भार उसके ऊपर रख दिया था। अब जा रहे हैं खाना खाने। खाना खाने में देखिए फरीन ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है जो कि मेरा वेज में फेवरेट है। ये देखिए कढ़ी, कढ़ी कढ़ी इसमें कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल तो आपको पता ही है मेरा फेवरेट है, और इसको इसमें लेग पीस दिख रहा है क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन है और बहुत ही मतलब राक्षसी भोजन का प्रेमी है ये। देखिए इसको ध्यान से देखिए, कल गाइस मैं आपको दिखाऊंगा जब आलू बिरयानी खाएगा तो। मैं तो आपको पता ही है मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना पसंद करता हूँ, ज्यादा मेरा प्रेफर वही रहता है, खा लेता हूँ नॉनवेज कभी कभी आज, लेकिन अभी मेरा फेवरेट जो कढ़ी चावल है आपको पता है, मैं कढ़ी चावल खाने जा रहा हूँ, और फिर कढ़ी चावल खा के फिर गेम खेलेंगे, आपको दिखाएंगे गेम में क्या क्या खेलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में देखते रहिए। मन जब से हम लोग आए हैं फरीन हमको क्या खिलाना चाहती है भाई? देखिए हम आए शाम से, हम आए हैं शाम से, इनकी जो बेगम है वो हमें शाम से पपीता खिलाना चाहती है। हम सोचा पपीता क्यों खिलाना चाहती है, पपीता के पांच फायदे की वाली, पपीता खाने से पेट सही होता है, पेट साफ होता है, और थोड़ा पेट का दिक्कत है उसको ज्यादा फायदा बता रही थी पूरा बता दो ना क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद इतना सारा फायदा गिनाई, फिर आखिरकार रात में पपीता काट के ले आई है और टारगेट पूरा कर लिए भाई साहब, खत्म कर लिए। और पपीता क्यों प्रेशर क्यों बना रही थी? क्योंकि पपीता दो दिन का आया था, पपीता सड़ रहा था और उसको खत्म करना था। और यासिर की तरफ से दोस्तों ये देखिए अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए रात में 1 बजे फरीन ने बनाया है मैगी, सबको सड़ा सड़ा पपीता खिलाने के बाद अमन के पेट को, सबका पेट जब खराब हुआ है तो उसको सही करने के लिए मैगी लाए गए। तो अभी हम रात में जा रहे हैं मैगी खाने, काफी टेस्टी लग रही है। चलो गाइस जल्दी जल्दी खा लेते हैं, चलो भाई जल्दी जल्दी खाओ मेरा वाला, जल्दी से मैगी खाते हैं, फिर कैरम खेलना है, कैरम खेलते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। हमारे हो चुके हैं 15 पॉइंट्स और यासिर और फरीन के हैं 9 पॉइंट्स, और मियां बीवी आपस में झगड़ा कर चुके हैं। नहीं तो ये अच्छा खेल, इन्हीं से निकल रहा है नहीं मेरी है।
गाइस गेम खत्म हो गया है और गेम खत्म होने पे गेम का स्कोर है 15 और 9 और हम लोग यहाँ पे गेम खत्म कर रहे हैं क्योंकि जो बाबू है वो सो गया है। तो ब्लॉग मेरा है, जब भी ब्लॉग खत्म होगा जीतूंगा मैं ही, क्योंकि एडिटर मैं ही हूँ, मैं ही ब्लॉगर हूँ, चैनल मेरा है तो इस पे वही चलेगा जहाँ मैं जीत रहा हूँ। तो अभी सोते हैं, गेम खत्म हो गया है। यासिर का पॉइंट है 21, हमारा है 15, हम 6 पॉइंट से पीछे हैं, पर गेम अभी पूरा हुआ नहीं है, गेम पूरा होगा कल होगा। तो अभी सोते हैं आराम से और फिर कल मिलते हैं आपसे। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और आसपास भी खुशियां बांटिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।